गरीब जन कल्याण फाउंडेशन के द्वारा नगर के बिनेगवा प्राथमिक विद्यालय को गोद लिया गया। इस मौके पर संस्थापक अध्यक्ष पंडित राजनाथ पांडे ने बताया कि फाउंडेशन विगत कई वर्षों से समाज के निर्बल, निर्धन, असहाय वर्ग के उत्थान की दिशा में कार्य कर रही है। फाउंडेशन के पदाधिकारी नगर के विभिन्न क्षेत्रों में श्रमिकों को वस्त्र एवं खाद्य सामग्री समय समय पर वितरित करते हैं। महामंत्री सरिता सिंह चंदेल के मुताबिक गरीब जन कल्याण फाउंडेशन के द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी से मुलाकात कर बिनेगवा प्राथमिक प्राइमरी विद्यालय को गोद लेने की इच्छा जाहिर की थी। समस्त कार्यवाही के उपरांत प्राथमिक प्राइमरी विद्यालय को फाउंडेशन के हाथों सौंपा गया। इस मौके पर कोषाध्यक्ष अमित सिंह ने बताया कि फाउंडेशन अब प्राइमरी विद्यालय को हरा भरा कर जल्द ही विद्यालय प्रांगण की रंगाई पुताई सहित सभी आवश्यकताओं को पूरा करने का कार्य करेगा तथा बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाते हुए पाठ्य सामग्री निरंतर वितरित की जाएंगी। इस दौरान मुख्य रूप से राजनाथ पांडे, सरिता सिंह चंदेल, अमित सिंह, उपाध्यक्ष रामेश्वर शर्मा, वीरेंद्र सिंह गौड़, सुरेश कुमार सहित काफी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे। ये ग्राम बिनेगवा है, पार्षदी विद्यालय 1 से 8 तक का है। यहाँ पे हम बच्चों को कॉपी, पेन, बिस्किट वितरण कर रहे हैं और वृक्षारोपण का हमने कार्य किया। हमारी संस्था का नाम गरीब जन कल्याण फाउंडेशन और अध्यक्ष संस्थापक राजनाथ पांडे, हमारी पूरी टीम अमित सिंह, सरिता सिंह और वीरेंद्र सिंह गौड़, रामेश्वर शर्मा। ज़्यादातर हम लोग गरीब बच्चों को ही लेकर के काम करते हैं। गरीब बच्चों को हम अपने कपड़े लत्ते भी बांटते हैं और बच्चों को ज़्यादातर हम पढ़ाई पर, शिक्षा पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि हमारे देश के बच्चे अशिक्षित ना रह जाएं। ये उनके सामने कभी भविष्य में नहीं आवे कि हम गरीब होने के नाते हम पढ़ नहीं पाए, उस पर हम विचार ज़्यादा कर रहे हैं और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं। सभी से मेरा नमस्कार। गरीब जन कल्याण फाउंडेशन जो आपके क्षेत्र में ही है, जिसका मैं संस्थापक भी हूँ, अध्यक्ष भी हूँ और ये सारे हमारे टीम के लोग हैं, हमारी संस्था से पदाधिकारी लोग हैं और इनको साथ में लेकर के हमने इस स्कूल को संस्था में गोद लिया है। अब स्कूल को हमेशा हम कोशिश यही करेंगे कि बच्चों को जो भी ज़रूरत हो वो हम पूरी कर सकें। बिनेगवा इसको बोलते हैं, नौबस्ता में लगता है, नौबस्ता थाना क्षेत्र में बिनेगवा लगता है और पार्षदी विद्यालय है। आपके संस्था द्वारा अधिकृत किया गया है, गोद लिया गया है जी। ये विद्यालय हमने गोद लिया है और इसका जो भी हो सकेगा सुंदरीकरण करना है, बच्चों की जो भी जरूरत होगी उसको हम पूरा करने का कोशिश करते हैं और करते रहेंगे। और संस्था आपकी क्या क्या करना है? बस ज़्यादातर बच्चों को ही विषय में हम काम करते हैं, बच्चों को ही लेकर के काम करते हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करते हैं और अन्य जगह जैसे मलिन बस्तियों में भी जाते हैं, वस्त्र वितरण करने जाते हैं। ठीक है ना? अच्छा, कहीं कहीं मलिन बस्तियों में बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, घूमते हैं और रोड पे भी जी, वहाँ भी हम मतलब उनके माँ बाप को, उनके पेरेंट्स को मैं कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि बच्चों को अशिक्षित मत रखिए। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, अगर ये मतलब शिक्षित होंगे, ये संस्कारिक होंगे तो हमारा देश सुंदर होगा, अच्छा होगा। अच्छा, बगल में स्कूल की है, दूसरी बिल्डिंग है, जर्जर पड़ी हुई है, अगर कोई हादसा हो जाए उस पर भी हम मतलब सरकार से प्रयास करेंगे, हमसे जो हो सक रहा हो तो हम कर ही रहे, लेकिन वो बड़ा मैटर है, उस पर हम सरकार के ऊपर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि कैसा भी होकर के उस बिल्डिंग को सुधारा जाए। ये बहुत बड़ा रिस्क है। जिन बच्चों के माँ बाप बच्चों की स्कूल नहीं भेजते हैं उनके लिए क्या करें? उन तक हम पहुँचेंगे और उनसे हम सिफारिश करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप बच्चों के साथ खिलवाड़ मत करिए। बच्चा आदमी पैदा करता है ये समझ के नहीं कि हम बच्चों को भीख मंगवाएंगे या बच्चों को गंवार या मतलब जाहिल बनाएंगे। हर आदमी का एक सपना होता है कि हमारे बच्चे अच्छे पढ़े लिखेंगे, अच्छे अधिकारी बनेंगे, सबका सपना होगा। और हो सकता है कि वो किसी कारण से आर्थिक तंगी की वजह से नहीं भेज पा रहे हैं, तो वो भी सरकार तो पूरा कर ही रही, जो भी बाकी रह रहा है वो हम सपोर्ट करेंगे।